Welcome to Live Wire Transmission. I'm your host, Tariq Khan Javed. Now it's time to discuss auto industry. नाज़रीन, गवर्नमेंट को हर हाल में पैसे कमाने हैं. अब इम्पोर्ट बिल बड़ा हो गया तो उसके लिए एक बहाना मिला कि तमाम इम्पोर्टेड चीज़ों पे ड्यूटी लगा दो, रेगुलेटरी ड्यूटी, और कहीं कहीं पे 50-50% लगा दी. उसमें एक जो इंडस्ट्री इससे जो डिसीशन से बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा वो पाकिस्तान की ऑटो पार्ट इंडस्ट्री थी, जो कि एक पॉलिसी के तहत चल रही थी जो कि 2016 में दी गई, जिस पे कहा गया था कि जी ऑटोमेटिव डेवलपमेंट पॉलिसी ADP 16-21 मार्च 61 में दिया गया. और इसमें ये कहा गया था कि ये जितने लोग हैं इस तरह के प्रोड्यूस करने वाले वो अपने आप को इंजीनियरिंग बोर्ड से रजिस्टर कराएं, और फिर वो इंजीनियरिंग बोर्ड मेक श्योर करेगा कि ये जो ऑटो पार्ट्स बाहर से मंगाते हैं उसमें कोई ये अनड्यू फ़ायदा तो नहीं उठा रहे. लेकिन रेगुलेटरी ड्यूटी लगने से ये सारी जो पॉलिसी थी वही रिवर्स होकर रह गई है, और अब जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ के लोकल ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर का चाइनीज़ और दूसरे इम्पोर्टेड पार्ट्स से कम्पीट करने के लिए. क्योंकि ये जो अभी जो इम्पोर्टेड आ रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अलमनीज़ हैं, कस्टम बहुत ज़्यादा कंसेशन देता है, और बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे पार्ट्स वो किलो के हिसाब से उस पर ड्यूटी लगती है. तो ऑलरेडी इनका कम्पटिटिवनेस बहुत कम था, अब और ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है. इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने दावा दी है अजीम साहब को, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च है स्पेक्ट्रम के. अजीम साहब, वेलकम टू द शो. थैंक यू. अब्दुल अजीम साहब, ये जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाले पाम ऐप वाले डिमांड करें कि जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई रिसेंटली उसको विड्रॉ किया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, होता ये कि इस तरह से थोड़ा सा रेगुलेटरी ड्यूटी अगर लगाई जाती तो ये तो पार्ट्स पे अगर लगाई जाती तो पॉजिटिव होता है. तो क्योंकि जो पार्ट्स आ रहे होते हैं बाहर से उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है. लेकिन अभी जो करंट है ना सिचुएशन वो ये है कि अगर आप लोकली पार्ट्स जो बनते हैं मार्केट में, यानी जो लोकल वेंडर्स बनाते हैं, उसपे जो ड्यूटी अगर वो आप इंपोर्ट करेंगे तो तकरीबन 50% ड्यूटी होती है. जी जी. और लोकली पार्ट्स जो नहीं अवेलेबल है वो आप इंपोर्ट करते हैं तो तकरीबन 32.5% ड्यूटी है उस पर. 32.5 और जो अवेलेबल है उस पर 50 है. हाँ, जो अवेलेबल अच्छा अगर पार्ट मिलते हैं, अगर लोकल वेंडर्स बनाते हैं, अगर वो इम्पोर्ट करेंगे आप तो उसमें 50% ड्यूटी देनी पड़ेगी. वैसे जो लोकल ऑटो पार्ट्स में मसला है, जो स्मगल होकर आते पार्ट्स उसका ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बगैर ड्यूटी के होते हैं, वो सस्ते दिखते हैं. जिस तरह मुख्तलिफ चाइना से पार्ट्स आ रहे होते हैं स्मगल होकर, तो वो थोड़ा सा लोकल जो वेंडर्स है उनके लिए प्रॉब्लम होती है ये उससे कम्पीट कर सकें. अच्छा, ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत अंडर इन्वाइसिंग होती है और बाज़ पार्ट्स तो किलो के हिसाब से उस पर ड्यूटी लगती है, और यानी कि कस्टम वाले काफ़ी उनको इम्पोर्टर्स को लीवे देते हैं मामलात में, जिसकी वजह से इनके लिए कंपटीशन और इनका बहुत मुश्किल होता जा रहा है स्मगलिंग के अलावा. जी, देखो वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो फिर करप्शन में चीज़ें आ जाती है ना कि आप मुख्तलिफ चीज पार्ट्स मंगाते हैं और उसके चेंज कर देते हैं कि ये पार्ट्स नहीं है जिससे ज्यादा ड्यूटी है, या इस तरह की चीजें. तो वो तो करप्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि वो करप्शन में आप हैं कि अगर कोई भी पार्ट वो दे रहे हैं वो किलो के हिसाब से ये दूसरी तरह लगाते हैं, जिस तरह लगनी चाहिए उस तरह नहीं लगाते, वो तो फिर कस्टम का मसला होता है ना. जी जी. नहीं, मैंने और भी जो इसके जो लोग करते हैं काम उनसे ये भी सुना कि बहुत सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट 99% रेडी, सिर्फ मिसाल के तौर पर उस पर पॉलिश नहीं किया हुआ या रंग नहीं किया हुआ, उसको एज ए अनफिनिश्ड गुड बता के वो ले आते हैं जिस पर ड्यूटी बहुत कम होती है, और उसका जो रेट आ रहा है विद आफ्टर द ड्यूटीज एंड एवरीथिंग, यहाँ वाले उस रेट पे बना नहीं सकते उस चीज़ को. हाँ, ये इस तरह की अंडर इन्वाइसिंग जैसे होता है
के अंडर इन्वाइसिंग करते हैं, वो जो नए पार्ट्स होते हैं उसे यूज पार्ट्स दिखा देते हैं, उस तरह की चीजें बहुत चलती रहती है मार्केट में, जिसकी वजह से लोकल वेंडर्स को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि अगर गाड़ियों की फीस देखी जाए तो वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर पार्ट्स के यानी ऑटो पार्ट्स के देखा जाए तो वो इतना ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसी वजह से होता है क्योंकि ऑटो पार्ट्स के जो कंपटीटर है वो उन्हें सस्ती इम्पोर्ट कर लेते हैं, और जो लोकल है उन्हें इतनी ज्यादा सस्ती नहीं मिल पड़ रही होती, वो कॉस्ट उनकी ज्यादा होती, तो इस वजह से लोकल्स को थोड़ा प्रॉब्लम तो है। अच्छा ये अजीम साहब, हम लोग आमतौर से चाइना सुनते हैं, लेकिन ये ऑटो पार्ट वाले बहुत ज़्यादा इस बात पे भी नाराज़ हो रहे हैं कि थाईलैंड से हम एफटीए करने वाले हैं। कहते हैं थाईलैंड में ये पार्ट्स भी बहुत सस्ते बनते हैं और एफटीए के बाद इनके लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हेलो, थाईलैंड से इतने खायफ क्यों हैं ये लोग ऑटो पार्ट्स वाले? कहते हैं थाईलैंड में भी चीज़ें बहुत सस्ती बनती हैं। दोबारा बोलिए। ये ऑटो पार्ट्स वाले थाईलैंड के कंपटीशन से भी बड़े परेशान हैं, और क्योंकि हम लोग अब उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, एफटीए कर रहे हैं, तो वो कहते हैं उसके बाद से इनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं देखिए, ऐसा नहीं होगा, जो एफटीए कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि लोकल जो इंडस्ट्री है उसे प्रोटेक्ट करना है। जिस तरह अभी अगर हम देखें तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जिस तरह लग रही है मुख्तलिफ सेक्टर से, उसी वजह से लगाई जा रही है कि चाइना से जो डंपिंग हो रही है उसे रोका जाए। तो अगर हम थाईलैंड से भी कोई एग्रीमेंट करते हैं फ्री ट्रेड का, तो उसमें भी इसे बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें कोई ऐसी खुली छूट नहीं होगी कि वो फ्री जो ड्यूटी के बगैर कोई पार्ट्स इंपोर्ट कर सके, तो वो उन हो सकता है उन पार्ट्स में कर दी जाए जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, यानी जो अगर लोकल पाकिस्तान में कोई प्लांट लगता है तो उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसमें मुझे लगता है कि शायद रिलैक्सेशन दें कि वो इंक्लूड कर लें उसके जो आइटम्स लिस्ट होती है, लेकिन जो अभी अवेलेबल है उसमें तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थाईलैंड से करे। तो एफटीए का फिर मतलब क्या होता है अजीम साहब? नहीं, उसको लिस्ट दी जाती है मुख्तलिफ पार्टी के, ये पार्ट होंगे जो भी हो गए आइटम्स हो गए जो हम फ्री ट्रेड का वो एग्रीमेंट होता है उसमें, ऐसा नहीं होता हर चीज नहीं कर सकते, उसमें जो लिस्ट दी जाती है वही आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो ड्यूटी कंसेशन तो बहुत होती है ना एफटीए में? हाँ, उसमें ड्यूटी कंसेशन होती है। यही बोलना अगर कोई ऐसा पार्ट है जो हाई टेक है जिसकी लोकल इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास, अगर वो हम मंगाते हैं तो उससे ज्यादा ड्यूटी लगती है, तो उससे एक ये फायदा होगा कि लोकल जो इंडस्ट्री है जो अभी ज्यादा ड्यूटी पे करके वो पार्ट्स मंगाती है तो वो कम ड्यूटी पे करेगी, तो उन्हें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगी है पार्ट्स पे, ऑटो जो फिनिश्ड यानी पूरी जो गाड़ी आती है उस पर भी लगाई गई है या नहीं लगाई गई? एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है? नहीं, उस पर तो वो पुराना जो चल रहा है वही है, पुराना ही बहुत बड़ा लगा हुआ है उसके ऊपर। तो जी इसी वजह से नहीं आती है यहाँ पे बहुत ज्यादा नई गाड़ियों की जो बात की जाए, यूज कार्स तो आती है लेकिन जो नई गाड़ी है वो महंगी बहुत होती है क्योंकि ड्यूटी बहुत ज्यादा है उस पर। जी बिल्कुल, यूज कार पे भी ठीक ठाक ड्यूटी है। यूज कार पे भी ठीक ठाक ड्यूटी है, कहते हैं कि 660 सीसी की जो गाड़ी सबसे छोटी आती है उस पर भी 4 लाख के करीब ड्यूटी है, 4-4.5 लाख। हाँ, अराउंड 4-5 लाख तकरीबन बन जाता है उसका फ्रेट और दूसरी चीजें मिलाते हैं तकरीबन। तो बड़ी गाड़ी अगर 1800 सीसी या 2000 की उस पर तो पता नहीं कितने ड्यूटी बनता होगा। हाँ, तो लेकिन वो बिकती भी इतनी महंगी है ना। जी अच्छा, तो आपको इतना फियर नहीं है कि ये एफटीए या अभी जो चाइना का कंपटीशन है उससे, या जो मैल प्रैक्टिस है लाइक स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग या लोअर ड्यूटी कलेक्शन, उससे आप क्या समझते हैं कि लोकल इंडस्ट्री आपके ख्याल में सर्वाइव कर सकती है फिर भी? देखिए अभी तक तो सर वो देखें, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो अंडर इन्वाइसिंग तो अभी भी चल रही है ना, स्मगलिंग भी चल रही है, वो तो ऑलरेडी है, वो तो करप्शन की वजह से, वो इस वजह से नहीं है कोई उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई वो नहीं बना हुआ कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई हो, वो तो इलीगल काम हो रहा है, वो तो खैर अलग चीज है, लेकिन लीगली तो कोई ऐसे गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि जिससे लोकल ऑटो इंडस्ट्री कोई मसला हो, तो गवर्नमेंट को भी पता है, क्योंकि अगर यूज कार्स की बात कर रहे हैं तो वो भी इसी वजह से अलाउ है, तो
लोकल इंडस्ट्री जो हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट ने इस वजह से भी थोड़ा सा अलाव किया हुआ है कि जो लोकल कहेंगे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अभी भी देखें तो 3 से 6 महीने का डिलीवरी टाइम है, तो ये तो बहुत ज्यादा होता है जी जी। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मसला है कि गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दिया हुआ, लेकिन अगर ये कम हो जाता है आगे जाके अगर एक्सटेंशन आती है लोकली कोई, तो मुझे लगता है फिर गवर्नमेंट इससे थोड़ा सा रिवाइज करेगी अपनी जो इम्पोर्ट पॉलिसी है। अच्छा, ये हम ये देखते हैं कि जो कंपनियां लिस्टेड हैं, मिसाल के तौर पे लॉर्ड्स लिमिटेड या सिंथेटिक प्रोडक्ट जो कि गाड़ियों के लिए पार्ट्स बड़े पैमाने में बनाती हैं, उनका काम तो बड़ा बूम कर रहा है और बड़ी अच्छा, बल्कि ओवर यहाँ तक कि वो कहते हैं कि डिमांड नहीं मीट कर पा रहे, तो अगर उन लोगों को देखा जाए जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, दे आर डूइंग फाइन इट सीम्स, ये छोटी छोटी कंपनियाँ हैं वो शिकायत कर रही हैं। अगर देखे ना बड़ी जो 3 कंपनीज है, अगर बात की जाए जैसे होंडा है, इंडस है और पार्क सुजुकी है, उनकी तो अगर डिलीवरी टाइम भी देखे तो बहुत ज्यादा है, फुल कैपेसिटी पे चल रही है, तो उनके लिए तो ऐसे फ्लैट नहीं है इतनी ज्यादा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि पार्ट्स में अगर बात की जाए, सिंथेटिक प्लास्टिक के जो पार्ट्स डैशबोर्ड वगैरह बनाता है, जबकि ये जो है लॉर्ड्स लिमिटेड रेडिएटर साइलेंसर वगैरह बनाता है, उनका काम तो बड़ा बूम करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, देखिए बूम करेगा ना, अगर अगर कोई कंपनी है उसे वही जो मैं जैसे भी मैंने बात की थी कि अगर उसे लॉर्ड्स का रेडिएटर लोकली मिल जाता है तो वो तो लोकली लेगी ना, अगर इंपोर्ट करेगी तो वो तो 50% उसे ड्यूटी देनी पड़ेगी, 50% कॉस्ट तो नहीं बढ़ाएगी, वो तो चाहेगी कि लोकली जो भी अवेलेबल है वो लगाए। फिर तो उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल का होता है कि ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे टीम, इनके क्वालिटी कंट्रोल होता है कि ये जो भी लगाते हैं किसी का भी रेडिएटर या कोई भी पार्ट लगाते हैं, तो इनके जो भी अगर क्वालिटी कंट्रोल पे पूरा उतरता है तो वो पार्ट्स लेते हैं, वरना तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जो भी वेंडर्स होता है उससे कि इस क्वालिटी का हमें पार्ट्स चाहिए, तो वेंडर उसमें इन्वेस्टमेंट करके कोशिश करता है कि लोकली जो अगर कर सकता है तो वो भी पार्ट्स प्रोवाइड करता है, तो इस तरह की चीज़ें तो चल रही है मार्केट में। अगर वेंडर्स की बात की जाए, वेंडर्स को मसला एज सच डायरेक्टली नहीं है, वो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना आपसे, वो अंडर इन्वाइसिंग का और स्मगलिंग का मसला है जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा मसला है। जैसे अभी टायर्स की बात की जाए तो जो यूज टायर्स के नाम पे नए टायर्स यहाँ आ रहे होते हैं स्मगल होके या कम ड्यूटी दे के, तो वो फिर जनरल टायर जिस तरह हमारी एक ही लोकल कंपनी जो प्रोड्यूस करती है तो उन्हें ज्यादा मसला होता है, तो इस तरह की चीजें तो मार्केट में जो है हमारी लोकल वेंडर्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम गवर्नमेंट को तो चाहिए कि इन्हें थोड़ा कंट्रोल करें, इन्हें एड्रेस करेंगे किस तरह इन चीजों को सॉल्व करें ताकि लोकल इंडस्ट्री को जो इलीगली, उससे गवर्नमेंट को भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ड्यूटी तो कोई उसमें नहीं मिलती गवर्नमेंट को, तो अगर उसे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा और फिर लोकल वेंडर इंडस्ट्री को भी फायदा होगा कि वो उनके पास ज़्यादा बिकेंगे, फिर गवर्नमेंट को ड्यूटी मिलेगी। सर, ओवरऑल आप ऑटो इंडस्ट्री को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, अभी अगर बात की जाए कार्स की, तो कार्स तकरीबन जो है 2 लाख तक लगता है डिमांड है यहाँ पाकिस्तान में, तो अगर 2 लाख तक डिमांड है सिर्फ कार्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अगर मोटरसाइकिल की देखें तकरीबन होगी 2 मिलियन तक, तो हम लोकल इंडस्ट्री तो है हमारी जो प्रोवाइड ये सब चीजें कर रही है, लेकिन कार्स का थोड़ा सा मसला है कि कार्स हमें तकरीबन 2 लाख तो अवेलेबल होती है साल में, लेकिन इससे ज्यादा शायद डिमांड है जो कि 50-60 हजार जो हम तकरीबन यूज कार्स इम्पोर्ट करते हैं, तो अभी हमें थोड़ा सा चाहिए कि हमारी जो जिस तरह कैपेसिटीज है फुल हो गई है तो थोड़ी एक्सपेंशन की तरफ जाए, अगर अभी एक्सपेंशन करते तो इनका जो रिटर्न है वो जल्दी मिल जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में लग रहा है कि डिमांड आगे ज्यादा रहेगी तो इनकी जो ROE है वो बेहतर हो जाएगा, जल्दी इनकी रिकवरी हो जाएगी, तो कह जाएगा अगर जल्दी होता है तो अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम तो अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अभी जो लोकल इंडस्ट्री वो थोड़ी सी अपनी कैपेसिटीज बढ़ाएंगी जिसकी वजह से जो उन्हें लग रहा है कि जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि पहले तो ये लगता था कि डिमांड आई इंटरेस्ट रेट से थोड़ा सा चेंज आया, डिमांड कम हुई तो वो वापस वो नीचे आ गई, तो उस वजह से वो एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन अब लगता है कि
लोकल ऑटो इंडस्ट्री को भी लगता है कि अब डिमांड कंसिस्टेंट है तो एक्सपेंशन का टाइम है। जिस तरह अभी इंडस मोटर ने एक डी बॉटल नेकिंग अनाउंस की हुई है, तो इसी तरह अगर एच कार भी अनाउंस करता और पार्क सुजुकी अपने प्रोडक्शन बढ़ा रहे तो हालत तो बेहतर हो सकता है। अच्छा, व्हाट अबाउट द न्यू इंट्रेंट्स, उनकी क्या पोजीशन है? आजकल लकी का बड़ा जिक्र आ रहा है, किया लकी। हाँ देखें, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए, क्योंकि अभी जिस तरह डिमांड लेंगे उसमें भी थोड़ा सा टाइम, एक डेढ़ साल तो लग ही जाएगा पूरा प्लांट बनाने में, मार्केट करने में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम है। लेकिन न्यू इंट्रेंट्स के आने के बाद जो मुझे लगता है कि शायद, जिस तरह अभी मैंने बोला था कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी इम्पोर्ट पॉलिसी, जो यूज कार की इम्पोर्ट पॉलिसी, उसे थोड़ा सा रिवाइज करेगी। What happened to Nishad's ambition to produce electric cars? Nishad, electric car की बात की जाए तो वो थोड़ा सा high tech industry होती है, उसमें investment बड़ी चाहिए होती है। लेकिन आगे जो अगर हम देखें internationally भी, locally भी, जो आगे cars बनती जा रही हैं या जो auto में demand आ रही है वो electric cars की आ रही है, और मुझे लग रहा है कि आगे अगले 20-25 साल में demand बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर निषाद ग्रुप अगर ये लेकर आता है इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक वाइड यही प्लांट होगा और जो आगे डिमांड होगी वो मुझे लगता है कि पूरी कर सकेगा आराम से। सर, रेनॉल्ट का क्या बना? गंदारा के साथ रेनॉल्ट का नाम आता रहा, फिर वो खामोशी हो गई। मुझे लग रहा है कि पेंडिंग में चला गया है, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से, अब देखें कोई नई अनाउंसमेंट आती है कब से वो दोबारा कुछ होता है, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी जो ये किया का है और ये निशात वालों का, ये मुझे लग रहा है कि जल्दी आ सकता है। अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। नाज़रीन, ये अब्दुल अजीम साहब थे, हेड ऑफ रिसर्च है स्पेक्ट्रम के, बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं इस फील्ड की। इशू ये है कि हम अपने लोकल इंडस्ट्री को कैसे बचाएँ, तो ये जो पामा वाले हैं, पम इनका जो इनका ये कहना है कि जी, एक तो अजीम साहब ने जैसे कहा कि स्मगलिंग बहुत होती है, ये पार्ट छोटी छोटी होती हैं, स्मगलिंग होके आ जाती है और वो चाइना वगैरह में इतनी चीप बन रही है कि हमारे लोकल उससे कम्पीट नहीं कर पाते। जब इंपोर्ट भी होती है तो वहाँ पे अंडर इन्वाइसिंग हो जाती है, 1 करोड़ का माल होता है उसको दिखा देते हैं 50 लाख का माल, उसी पर ड्यूटी लग जाती है, क्लियर हो जाता है, या फिर वो किलो के हिसाब से ड्यूटी लगा देते हैं, वो बहुत सस्ती पड़ जाती है। तो हमारे जो लोकल ऑटो इंडस्ट्री है, पार्ट्स इंडस्ट्री, उसको काफ़ी चैलेंजेस हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो हम जिन कंपनियों को अच्छी तरह जानते हैं लाइक लॉर्ड्स और सिंथेटिक प्रोडक्ट, देयर बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। उसकी शायद वजह यह हो कि रेडिएटर हो या साइलेंसर हो या प्लास्टिक के जो बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वॉल्यूमिनस होते हैं और वहाँ शायद इम्पोर्ट करके इतना सस्ता लाना मुमकिन नहीं, इसलिए ये दोनों कंपनियाँ तो अच्छा कर रही हैं। मगर ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो बड़े महंगे भी होते हैं रिलेटिवली और साइज़ भी उनकी छोटी होती है, वहाँ पे स्मगलिंग वाले ने बड़ा तंग किया हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन चीज़ों पे सख्ती से अमल करे टू प्रोटेक्ट अवर लोकल इंडस्ट्री। जहाँ तक इनका डिमांड कि जी रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जाए, उस पर भी गौर करना चाहिए नए सेक्रेटरी साहब को जो आ गए हैं, और देखें कि इनको कैसे सर्वाइव किया जाए। एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट ईच एंड एवरी जॉब ऑफ पाकिस्तान टू बी सेव्ड, क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड, दैट इज़ अवर नेशनल गोल। चाहे वो ऑटो पार्ट्स वाला हो, गाड़ी बनाने वाला हो, गाड़ी को भी हम चाहेंगे कि 100% पाकिस्तान में गाड़ी बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और इस सिलसिले में ऑल मेजर्स लेने चाहिए। नए इंट्रेंट्स का अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा सवाए लकी किया के, और कोई न्यूज़ हमें सामने नज़र नहीं आ रही। देर इज़ ए गैप इन द मार्केट, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, 60,000 गाड़ियाँ अभी भी इम्पोर्ट हो रही हैं, तो अगर ये लोग जल्दी जल्दी आएँ और प्रोड्यूस करना शुरू करें या एग्जिस्टिंग वाले अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर दें तो ये जो गैप है डिमांड सप्लाई का वो मीट हो जाए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि ये चीज़ें फिर पाकिस्तान में बनेंगी जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ इस सेक्शन से इजाज़त चाहता हूँ।